जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त वंश गर्ग, मैं अपने YouTube चैनल गर्ग प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, जड़ से मंगा लाया हूँ, इंडिपेंडेंट हाउस, वो भी द्वारका मोड़ की लोकेशन में, प्राइम लोकेशन में, मोहन गार्डन की लोकेशन में। आप छत देख सकते हैं कितनी वाइड है, 20 फुट का फ्रंट मिल जाता है, 20 फुट का फ्रंट, और लंबाई 22 फुट की मिल जाती है। 45 गज का रहने वाला है ऑन पेपर, और मौके पर रहने वाला है 48 गज। हम ऑन पेपर की बात करते हैं तो 45 गज मिलेगा आपको ऑन पेपर, और मेट्रो से डिस्टेंस की बात करते हैं 500 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस मिल जाएगा आपको 5 मिनट का। ये आपकी छत भी आपकी रहेगी, जमीन भी आपकी, और ग्राउंड फ्लोर भी आपका, फर्स्ट फ्लोर भी आपका। इसमें आपको नीचे वन रूम सेट मिल जाएगा और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे टू रूम सेट। हम चलते हैं इसकी पार्किंग की तरफ। देख सकते हैं पार्किंग में आ गए हूँ। हम पहले पार्किंग में, इसके पहले मेन एलिवेशन की बात कर लेते हैं। अब इसकी एलिवेशन देखो, आपको 20 फुट का फ्रंट मिल जाता है इसकी एलिवेशन पे। आपको इसकी एलिवेशन मिल जाती है पूरी टाइल वर्क के साथ, वॉल टू वॉल टाइल आपको एलिवेशन मिल जाती है, और साथ में आपको इसमें हर टाइल पे फास्टनर मिल जाते हैं। फास्टनर मतलब कोई आपके बालों को भी, इसमें सीमेंट नहीं हुआ तो कभी टाइल आपके नीचे गिरेगी नहीं, क्योंकि इसमें हमने फास्टनर लगा दिए हैं। ये नट बोल्ट होते हैं टाइल के जो ऊपर लगते हैं। आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन और वुडन टाइल का कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिल जाता है 20 फुट के फ्रंट पे, और 20 फुट की रोड पे आपको देखो 20 फुट का फ्रंट मिल जाता है मकान को, 20 फुट की रोड मिल जाती है। इस पर आपकी गाड़ी भी आराम से आप बाहर खड़ी कर सकते हैं। मान लो आपकी गाड़ी आपको अंदर नहीं खड़ी करनी, आप बाहर भी आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इसमें आपको सीवर कनेक्शन मिल जाता है, IGL की गैस पाइपलाइन मिल जाती है, वाटर सप्लाई आपको दिल्ली जल बोर्ड का मिल जाता है, यहाँ पे 24 आवर आपको समर सीवर मिल जाता है, और BSES की आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ मिल जाती है। बहुत अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन में आपको ये मकान मिल जाता है। दिल्ली की लोकेशन में उत्तम नगर की लोकेशन है, मोहन गार्डन की लोकेशन में आपको ये मिल जाता है, रामा पार्क की लोकेशन रहने वाली है इस बार, और मेट्रो से बात करो तो 500 मीटर की डिस्टेंस पर रहने वाला है। सर दोस्तों, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको इसमें मिलने वाली है। 20 फुट का फ्रंट तो बहुत कम देखने को मिल जाता है हर प्रॉपर्टी में। आजकल हम 50 का जो मकान बनाते हैं 15x30 का बनाते हैं, पर ये जो 45 गज का मकान है आपका 20x22 का है, 20x22 रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है आपकी, ये लोनेबल प्रॉपर्टी है। 70-80% आपका लोन हो जाएगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। बाकी इसमें आपको नीचे बात करूँ तो आपको नीचे वन रूम सेट मिल जाएगा, ऊपर टू रूम सेट। ये हमारी पार्किंग रहने वाली है, पार्किंग देखो, आपको पार्किंग 10x20 की मिल जाती है, 10x20 की पार्किंग। आपकी एक गाड़ी आने के बाद भी बहुत स्पेस बचने वाला है इस पार्किंग में। इस पार्किंग में आपको मार्बल की बात कर लूँ तो आपको जो मार्बल बहुत अच्छा ग्रेनाइट मार्बल मिल जाता है, जो शाइनेबल रहेगा और लाइफ टाइम। इसमें भी फिनिशिंग पूरी होने बाकी है क्योंकि इसमें भी काम चल रहा है, और इसमें आपको गाड़ी चलाने के रैंप मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं तो आपको दोनों तरफ रैंप मिल जाते हैं मार्बल के साथ, और बीच में आपको आपके मकान की तरफ चढ़ने के लिए स्टेयर्स मिल जाती है। और इसमें आपको गेट की बात कर लूँ तो आपको इसमें 10 फुट का गेट मिल जाता है, आयरन गेट है, बहुत हैवी गेट है। इस पर पेंट होगा, ब्राउन कलर का पेंट होगा, जो आपका बहुत एलिवेशन बहुत अच्छा अट्रैक्टिव करेगा, बहुत अच्छा सिंपल सोर इसमें एलिवेशन रहने वाली है मकान की। आपने देखी होगी एलिवेशन, जब इसमें पूरी फिनिशिंग हो जाएगी आपके मकान बहुत अच्छा रहने लगने वाला है। इसमें हम पार्किंग की बात कर लूँ तो आपको इसमें पार्किंग में आपको 5 फुट तक टाइल वर्क मिल जाता है पूरी पार्किंग में। आप देखो पूरी पार्किंग में आपको टाइल वर्क मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, इसमें हम टाइल आपको प्लेस करके दे रहे हैं। और ऊपर मैं बात करूँ वॉल की, तो इसमें भी प्लास्टिक पेंट पूरी फिनिशिंग होना बाकी, हमने इसको पुट्टी करके भी छोड़ रखा है, वही पूरी फिनिशिंग इसमें होना बाकी है। जैसे आप बुक करेंगे तो इसमें काम चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरी ऐसे लेबर ख़राब कर देती है तो हम इसमें पूरी फिनिशिंग अभी रोक देते हैं। हम ऐसे एलिवेशन और नक्शा तैयार करके रख देते हैं कि आप जैसे बुकिंग करें तो आपके हिसाब से काम हो सके। ऊपर फॉल सीलिंग की बात करें तो सिंपल एंड सोर फॉल सीलिंग मिल जाते हैं सर्कल डिज़ाइन में। इसमें आपको वाइट LED एंड येलो कोकलेट का काम हम करा के देंगे आपको। और इसमें हम देखो, आप गेट देखो, गेट कितना आपको हैवी मिल जाता है, इसमें कितना बड़ा गेट मिल जाता है, आपकी गाड़ी आराम से अंदर आ सकती है, बहुत अच्छे स्पेस आपको मिल जाता है गाड़ी अंदर लाने का। इधर भी आपको एक छोटा गेट मिल जाता है जो कि हमने लॉक कर रखा है, जब आप पूरी जब फिनिशिंग होगी इसमें हम इसको ओपन कर देंगे। आपको यहाँ पे MCQ पॉइंट्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, जो अच्छी कंपनी है इसमें आपको वायरिंग करा के देते हैं। और इधर आपको वाटर सेक्शन मिल जाता है सामने की तरफ, अभी से काम चल रहा है तो सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे आपको समर सीवर और आपका जो दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन होगा यहाँ पे होके आपको प्लेस करा के देंगे हम। एक आपके यहाँ पे भी आपका लोहे का जाल लगवा देंगे, आप कहोगे आपका सिक्योरिटी, जैसे आप मोटर रख रहे हो तो चोरी ना हो, मान लो कभी गेट खुला तो यहाँ पे हम आपका लोहे का जाल लगवा देंगे। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब काम हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको ये प्रॉपर्टी जो गर्ग प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स है आपकी प्रॉपर्टी लाती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लाती है। इस बार जो आपकी प्रॉपर्टी लाए द्वारका मोड़ से 500 मीटर के डिस्टेंस लाए हैं। मैं आपको एक पार्किंग में इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी भूल गया, आप देख सकते हैं इसके पिलर्स कितने अच्छे, हमने साइज के पिलर लगा के दिए आपको, लटक बीम आप देख सकते हैं ऊपर आपको लटक बीम मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसमें हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं कि मान लो आप, हम आपको नीचे ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर तो बना के दे रहे हैं, आप इसके ऊपर 2-3 मंजिल और बनाना चाहो तो कोई दिक्कत ना हो मकान में, आपको मकान तोड़ना ना पड़े। जैसे बिल्कुल आपको ऊपर बनाना है तो इसको बिल्कुल तोड़ना पड़े भाई कि कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिसको नीचे नीम डाली है बहुत हैवी डाली है, इसको आप 2-3 मंजिल और बिल्डअप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क इसमें हम करा के देते हैं आपको। इसमें आपको ये हमारा वन रूम सेट रहने वाला है। इधर आपको स्टेयर्स मिल जाती है फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए, हम चल अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर के। आप इधर आपको मॉडल किचन मिल जाएगी, इधर आपको हमारा वॉशरूम रहने वाला है, इधर आपको ये हमारा बेडरूम रहने वाला है। अब एक चीज़ इसमें मेन है, आप देखते हैं हमने इधर भी आपको गेट लगा के दी है,
आप इसको पूरा अपना सेपरेट वन रूम सेट कर सकते हैं। मान लो आप आपका 2 BHK ऊपर इनफ है तो आप नीचे वन रूम सेट अपना रेंट पे दे सकते हैं, या फिर इसको इस रूम को अपना ऑफिस बना लें और पीछे अपना किचन और एक आपको वॉशरूम मिल जाता है। अब इस रूम की बात कर ले तो आपका ये रूम आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस रहने वाला है। आपका ये रूम आपको 10x12 का मिल जाता है, बहुत अच्छे स्पेस में मिल जाता है। आप इसकी हाइट देखें, आपको 10 फुट पर इसकी हाइट मिल जाती है। इधर आपको कवर्ड मिल जाती है छोटी, आप जैसे आपका ऑफिस का सामान या कोई वन रूम सेट आप सामान इसको स्टोर करना होता है आराम से इसमें स्टोर कर सकते हैं। ऊपर आपको फोल सीलिंग वर्क मिल जाता है रेक्टेंगल की, मैं आप देख सकते हैं सिंपल और फोल सीलिंग रहने वाली है इसकी। आपको व्हाइट LED एंड येलो कोग्रेक्स से इसमें वर्क हम करा के देंगे। हम इसमें पेंट की बात कर ले तो यहाँ पे आपको वैसे यहाँ पे आपको वॉलपेपर हम प्लेस करके देंगे आपकी पसंद का कस्टमाइज, और पूरे में आपका प्लास्टिक पेंट हम आपको इसमें पूरी फिनिशिंग के साथ करा के देंगे। इसमें आपको आयरन का गेट मिल जाता है सेफ्टी के लिए, क्योंकि गली का रहने वाला है ये रूम भी, तो इसमें आपको हम आपको आयरन का गेट प्लेस करा के दे रहे हैं। इधर आपको ऐसे आयरन की जाली मिल जाती है, और इधर आपको शीशा वैसे जो हम हर जड़ से मकान में आपको विंडो लगा के देते हैं और ग्रिल लगा के देते हैं मॉस्किटो ग्रिल, वो आपको इस दोनों में हम प्लेस करा के देंगे। हम इसी गेट की बात कर ले तो वुडन गेट की आपको ये 8 फुट का मिल जाता है, बहुत हैवी। इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है वुडन का माइके का, और इसमें हैंडल की बात कर ले तो आपको ब्रांडेड कंपनी हम हर मकान में लगा के देती हैं। इधर आपको इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट मिल जाता है, इधर आपका उधर आपको TV पैनल भी आराम से आप बना के, मैं आपको कहोगे तो बना के दे देंगे, या आप अपना भी बना सकते हैं। हमने इसमें आपको स्पेस दिया हुआ है। इसमें आपको कस्टमाइज टाइल भी मिल जाता है, देख सकते हैं विट्रीफाइड टाइल्स है, इस पर स्क्रैच नहीं आता और ये शाइनेबल रहती है। अभी इसमें सफाई नहीं हुई आपको इसलिए गंदी लग रही है, बाकी जब हमारी पूरी फिनिशिंग होगी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और इधर आपको विंडो एसी का पॉइंट मिल जाता है, ये आपका विंडो एसी भी प्ले सकता है। मान लो आप इसको ऑफिस बनाते हो तो विंडो एसी आपको यहाँ लग जाएगा। हमने इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट आपको यहाँ पे पहले प्लेस करके दिया, देखते हैं इसके AC हमने MC आपको पहले दिए। मान लो आप प्लग लगाते हो AC का तो आप MC से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसको मेन एक जड़ से मकान में एक रीज़न है, इसमें वैसे बहुत अच्छा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऊपर आपका 2 BHK इनफ है तो हम नीचे अपना रेंट भी खा सकते हैं। मान लो आप किस्तों में मकान ले रहे हैं, ये 70-80% आप इसका लोन ले रहे हैं, तो अपनी यहाँ पर भी आप 6-7 हज़ार रुपये जो इसका रेंट आएगा वो अपनी किस्त में से मैनेज करके आप दे सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। इसमें आपकी चौकेट की बात कर लूँ तो ये DJI कंपनी चौकेट रहने वाली है, DJI की आयरन की रहने वाली है, जो इसमें जंग भी नहीं लगेगी क्योंकि स्टील मिक्स होता है इसके अंदर, और ये लकड़ी की नहीं है क्योंकि इसमें दीमक नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं कितनी हैवी क्वालिटी इसमें हम आपको काम करके दे रहे हैं। इधर आपको पूरा ग्लास वर्क हम करा के देंगे, ये आपका वॉशरूम रहने वाला, आप देख सकते हैं वॉशरूम आपको मिल जाता है इसमें, देख सकते हैं आपको वॉशरूम मिल जाता है 6x6 का, बहुत अच्छा स्पेशियस वॉशरूम मिल जाता है। इसमें सारी फिटिंग सभी जो हम करा के देंगे आपको, पूरी जब फिनिशिंग होगी इसकी सारी फिटिंग हम आपको करा के देंगे। आप देख सकते हैं इसकी इसमें आपको वॉल टू वॉल टाइल मिल जाती है, ग्रे एंड व्हाइट का कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको गीजर का पॉइंट मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ऊपर आपको वेंटिलेशन का पॉइंट मिल जाता है, और मेन बात इसमें सामने आपको वेंटिलेशन दे रहे हैं कि मान लो इसका जो किचन और वॉशरूम का वेंटिलेशन आपको यहाँ से पास हो जाएगा, और एक पॉइंट हमने विंडो यहाँ भी दिया, अब यहाँ पे भी अपना एडजस्ट लगा के यहाँ से वेंटिलेशन अपना पास हो जाएगा। इसमें किचन मॉडल किचन की बात करें तो आपको यहाँ पे हम चिमनी प्लेस करके देंगे, आप देख सकते हैं चिमनी हमने आपको पॉइंट छोड़ के दिया। नीचे आपको बास्केट मिल जाती है स्टील की, SS की पूरी बास्केट मिल जाती है, अच्छी स्टोरेज मिल जाती है आपको। जैसे नीचे हमने छोटी किचन बनाई है उसके हिसाब से भी आपको अच्छी स्पेस इसमें किचन में मिल जाता है। आपको डबल एयर मार्बल मिल जाता है, शाइनेबल मार्बल है, ग्रेनाइट मार्बल मिल जाता है इसमें। आपको ऊपर भी स्टोरेज मिल जाती है 1.5 से 2 फुट की, आप देख सकते हैं। इधर आपको RO के लिए स्पेस मिल जाता है, इसमें आपको सैनिटेरियम प्लेस करके देंगे बिल्कुल अच्छी कंपनी की, और आपको यहाँ पे सिंक मिल जाती है SS की। नीचे आपको सिलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं प्योर वाइट का कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है इसमें। आप ऊपर प्योर वाइट, नीचे प्योर ब्राउन, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस मिल जाता है, नीचे भी फ्रिज का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये आपका मेन गेट था, आप मान लो आप किराए पे चला रहे हो तो इसको आप अपनी तरफ से लो करें, वो बंदा अपनी वहाँ से एंट्री कर लेगा क्योंकि सेपरेट है बिल्कुल। और मान लो आप वहाँ फ्रिज नहीं रखना चाहते तो आपको यहाँ भी फ्रिज का स्पेस मिल जाता है, पॉइंट हमने आपको भी आपको दे रखा है। और यहाँ भी आपको कम से कम 6x4 का स्पेस बीच में मिल जाता है। मान लो कोई अलमारी रखनी है, बाकी हमने वैसे इसमें आपको कवर्ड एरिया वैसे हमने दादा आपको बेडरूम में कवर्ड बना के रखी है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आपने हमारा ग्राउंड फ्लोर देख लिया होगा, पार्किंग देख लिया, चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर हमारा जो है यहाँ से रहने वाला है, इसकी फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने आपको डबल लेयर ग्रेनाइट हम फिनिशिंग में आपको करा के दे रहे हैं। इसकी पूरी घिसाई अभी पत्थर की होनी है, बाकी जब आपकी जो पूरी फिनिशिंग होगी मकान बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको ऐसे इसकी ग्रिल मिल जाएगी इस पूरी स्टेयर्स के अंदर, और जो हमारी स्टेयर्स रहने वाली राउंड रहने वाली है, राउंडेबल भी, जैसे आप देख सकते हैं हम राउंड के ऊपर चल रहे हैं। और ये आपको देखो पिलर की तो कम हम आपको किसी मकान में देती नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का हम इसमें काम करा के देते हैं। जड़ से मकान बंदा ले रहा है तो वो कभी भी ऊपर बिल्डअप कर सकता है, तो उस क्वालिटी के हिसाब से हमें काम इसमें कराना पड़ता है। देखते हैं इसमें काम चालू है, फिनिशिंग चल रही है,
अभी इसमें वायरिंग हो रही है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत पेंट वेंट, पूरी फिनिशिंग इसमें आप करा के देंगे, जब आप बुक करेंगे तो पूरी फिनिशिंग आपको मिलेगी। मेन बात, इसमें आपको डाइनिंग स्पेस भी मिल जाता है, इसको डाइनिंग स्पेस या ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में। ये हमारे यहाँ से फर्स्ट फ्लोर एंट्री आने वाली है, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की एंट्री आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा, ये आपकी किचन रहेगी, ये आपका फर्स्ट बेडरूम, ये आपका सेकंड बेडरूम। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी आपको 8x8 का स्पेस मिल जाता है। बीच में आप देख सकते हैं ये पिलर आ रहा है आपको, देखो पिलर भी हम देखो इसमें पूरे मकान में हमने 6 पिलर डाल रखे हैं, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, बहुत अच्छा काम करके दे रहा है। पिलर का साइज देख सकते हो, इसमें जो सरिया डलेगा 16mm का सरिया डला हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, 16mm तो बहुत अच्छा होता है। ये हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग में डालते हैं, फिर हम जड़ से मकान में भी ये सरिया डालते हैं। आप ये देख सकते हैं आपको ये ड्राइंग रूम स्पेस मिल जाता है, या ड्राइंग रूम बना लो इसको एल टाइप में सोफा लगा के, या आप इसको डाइनिंग स्पेस में बना सकते हैं क्योंकि सामने ही किचन है। इसमें आप अपना कर्टन्स लगा के ओपन किचन दिया हमने डिज़ाइन, इसमें आप कोई डिज़ाइन खाओगे तो भी बन जाएगा। और ऊपर इसमें फॉल सीलिंग की बात कर ले तो सिंपल एंड सोर फॉल सीलिंग रहने वाली है, और वाइट LED एंड येलो कोगलाइट का इसमें आपको हम वर्क करा के देंगे। आप देख सकते हैं हम चलते हैं किचन की तरफ, किचन आपको इसमें मिल जाते कम से कम, आपकी देखो आप साइज़ देखो इसका, आपको कम से कम इसमें 9x6 की किचन मिल जाती है, 9x6 की। आप देख सकते हैं कितनी स्पेशियस किचन है। आप अपना मान लो फ्रिज यहाँ पे लगाओगे तो कोई जब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। आपको ऊपर पूरा वाइट कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, नीचे आपको ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और आपको मेन बात हम डबल लेयर मार्बल तो हर किचन में भी और स्टेयर्स में भी और पार्किंग में भी आपको प्लेस करके देते हैं, जो शाइनेबल रहेगा लाइफ टाइम। ऊपर आपको यहाँ पे चिमनी का स्पेस मिल जाएगा, चिमनी का वेंटिलेशन में ऊपर आपको देख रहे हैं, देखो आप वहाँ पे आपको वेंटिलेशन मिल जाता है चिमनी का। और स्टोरेज की बात करें ऊपर की, तो आपको स्टोरेज मिल जाएगी इसमें, लंबाई इसमें देखें तो 1 फुट की और लंबाई में 3 फुट की, 1x3 की आपको इसमें अंदर पूरी स्टोरेज मिल जाती है। ऊपर पूरी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको बड़ा स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपके अभी वुडन्स के बीच में पार्ट्स लगने हैं, पूरी फिनिशिंग आपको सैनिटरी और सैनिटरी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ब्रांडेड कंपनी हम प्लेस करके देंगे, जो भी पूरी काम फिनिशिंग में आपको बताया, जब बुक करेंगे तो आपको पूरी फिनिशिंग इसमें हमारे जड़ से मकान में मिलेगी। और इधर आपको RO का ऑप्शन मिल जाता है, और इधर आपको इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट दे हुआ, अपनी आपको माइक्रोवेव या मिक्सी चलानी हो तो आप आराम से इधर चला सकते हैं। ये सिंक की बात करें तो आपको SS की सिंक मिल जाती है इसमें, और नीचे आपको यहाँ पे सिलेंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे अपना सिलेंडर कुछ रखना हो तो आप आराम से रख सकते हैं, पर यहाँ पे आपको बास्केट का ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं बास्केट आपको कितनी आपको SS ग्रिल की यहाँ पे मिल जाती है, नीचे भी आपको पूरी स्टोरेज मिल जाती है। मतलब किचन में आपको स्टोरेज की मेन जो दिक्कत होती है इस मकान में है ही नहीं, और आपको मेन डाइनिंग स्पेस भी मिल जाता है, आप डाइनिंग स्पेस है इसको ड्राइंग रूम बना सकते हैं। हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। पर कॉमन वॉशरूम से पहले आपको एक बात आता हूँ, जैसे ये जो आपको एंट्री दिख रही थी यहीं से हमारी एंट्री है, यहाँ से हमारी एंट्री है, ये आपका जो स्टेयर्स है ये टेरेस पे जा रही है और ये ग्राउंड फ्लोर पे नीचे जा रही है। आप देख सकते हैं कॉमन वॉशरूम के बाहर हमने आपको ये स्टोरेज का नीचे ऑप्शन दिया है। इसमें आपका जैसे आप देख रहे हैं नीचे पाइप लगे हुए हैं, ये सैनिटरी इसमें प्लेस होनी है, ऊपर आपका वॉश बेसिन अभी डिज़ाइनर लगेगी, इधर आपको पॉइंट लगेगा, अभी लगना बाकी है। आप इसमें बाहर देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट दिया है, यहाँ पे आपको जैसे ट्रिमर करना है या छोटा मोटा आपको जैसे ग्लास लाइट ग्लास लगाना है तो आप यहाँ पे आराम से प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा वॉशरूम लेने वाला है 6x8 का वॉशरूम लेने वाला है, 6x8 का आपको इसमें वॉल टू वॉल टाइल्स मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ग्रे और वाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और सैनिटरी की बात करूँ तो आपको ब्रांडेड कंपनी का हम इसमें आपको सारी प्लेस करके देंगे, अभी जो प्लेस होनी बाकी है। इसमें भी प्लम्बर का काम रहता है, वॉलपेपर का काम रहता है, अभी इसमें पेंट का काम रहता है, पूरी फिनिशिंग मतलब मकान में होनी बाकी है, अभी खाली ढांचा खड़ा हुआ है मकान का, पूरी इसमें एलिवेशन रेडी करनी है अभी हमारी बाकी है। हम इसमें नीचे भी आपको एंटी स्टिक टाइल मिल जाती है, एंटी स्टिक जो आपकी कभी फिसलन जैसे कोई पानी गिरा हुआ है तो आपका पैर इसमें नहीं फिसलेगा। इधर भी आपको वॉश मशीन आपका कोई वहाँ नहीं लगानी तो हम यहाँ पर आपको प्लेस करके देंगे, और आपको यहाँ पे नहाने का ऑप्शन मिल जाएगा, या आपका यहाँ पे टॉयलेट रहेगा भी। यहाँ भी आपको देख सकते हैं आप पिलर, तो हमारे हर चीज़ में पिलर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिलर से मकान है, पिलर होंगे तो मकान की मजबूती हमेशा रहेगी। आपको यहाँ पे गीजर का पॉइंट मिल जाएगा, ऊपर आपको सिंपल एंड सोवर POP वर्क मिल जाता है, आपको इसमें वुडन गेट मिल जाता है 8 फुट का, जो हमारे हर रूम्स में हर वॉशरूम में रहने वाला है। इधर भी आपको देखो 5 फुट यहाँ पे टाइल्स वर्क मिल जाता है, यहाँ से 5 फुट पर आपको टाइल वर्क मिल जाता है। मान लो यहाँ पे वॉश मशीन लगाते हैं तो ये टाइल्स आराम से हम वॉश कर सके। और मेन बात आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट मिल जाता है, मान लो आपको सेपरेट दिया हुआ है एंट्री से सेपरेट की दिखे ना, मतलब सिंपल सोवर अच्छा भी लगे और दिखे भी ना। ये हमारा किचन का वेंटिलेशन आपको यहाँ से निकल रहा था, ठीक है सर, और यहाँ पे आपको पूरी फॉल सीलिंग आपको दिखाई है मैंने ड्राइंग रूम में या फिर डाइनिंग एरिया आप कह सकते हैं इसको। और मेन बात किचन में जो बहुत परेशानी करते हैं, मान लो हम ऊपर हैं हमारा टैंकी में पानी खत्म हो गया तो हम यहाँ से आप अपना यहाँ पे हमने जो पॉइंट दिया है आप देखते हैं, मैंने इसको ऑन करा तो लाइट जल गई।
आप यहाँ से अपनी समरसीवर या अपना दिल्ली एयरपोर्ट का पानी यहाँ से चला सकते हैं, आपकी टैंकी यहाँ से फुल हो जाएगी। और पहले इसमें हम आपको वाटर टैंकी लगा के दे रहे हैं, जो भी हमने फिटिंग्स पूरी करानी है, बाकी इसमें पूरी फिल होंगी, अभी पूरा प्लस्तर इसमें फिल होगा, बहुत अच्छे काम करा के देंगे आपको। जड़ से मकान है हमारा ये 45 गज का है, और जो गर्ग प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स आपके लिए मकान लाती है बहुत अच्छी लोकेशन में लाती है, प्राइम लोकेशन में लाती है। ये जो मकान है 500 मीटर पे आज तक कोई जड़ से मकान हमने बनाया नहीं, पर ये पहली बार बनाया है आपके लिए, क्योंकि सब कहते हैं सर मेट्रो के नियर बाय चाहिए, कम बजट में चाहिए, तो ये मकान आपको कम बजट में रहने वाला है। इसका आपको प्राइस जरूर बताऊंगा जब हम टेरिस पे जाएंगे, आपको इसका प्राइस जरूर बताऊंगा, पर आप वीडियो पूरी देखा करो, एक चीज़ समझा करो, आपके लिए आपके सेवा में हम बैठे हैं, आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं, आपको आपका मकान का सपना पूरा करने के लिए हम आपके पास आए हैं। जो गर्ग प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स आपके लिए मकान लाती है बहुत अच्छा लाती है, और आप इसकी डील्स हमारे से करेंगे तो आप जैसे फैमिली जैसे ट्रीट आपको पूरे हमारे ऑफिस में मिलेगा। आप इसकी विजिट करेंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपको जरूर नहीं एक मकान दिखाएंगे, हमारे पास 5-6 ऑप्शन होते हैं, न्यू मकान के तो बहुत ऑप्शन है, रीसेल के 5-6 ऑप्शन होते हैं, बाकी आपको फ्लैट्स 2 BHK चाहिए हमारे पास अवेलेबल है, 3 BHK फ्लैट चाहिए, 4 BHK चाहिए, तो सारे फ्लैट्स 1 BHK तक आपको हमारे पास मिल जाएंगे। ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट बेडरूम और ये हमारा सेकंड बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में चले तो फर्स्ट बेडरूम में आपको स्पेस मिल जाता है, कम से कम देख सकते हैं 12x10 का स्पेस इसमें मिल जाता है आपको, 12x10 का। ये टाइल्स हमारी 2x4 की होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 फुट ऐसे हो गए, 10 फुट आपको ऐसे मिल जाता है स्पेस। हम इसकी फॉल सीलिंग की बात करें तो सिंपल एंड सोरस में आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, जो आपको अभी इसमें कोगलेट लगनी बाकी है, प्लेस होनी बाकी है, वो आपको आपको इसमें प्लेस करा के देंगे। और मेन बात आप देख सकते हैं इसका आपको वेंटिलेशन की कमी तो आपको इसमें रहेगी नहीं, क्योंकि 20 फुट का फ्रंट है, आपके दोनों बेडरूम बालकनी में आते हैं, इधर आप अपना विंडो एसी प्लेस कर सकते हैं। इसमें आपको आयरन की ग्रिल मिल जाएगी, आपको इसमें मॉस्किटो ग्रिल एंड ग्लास वर्क में आपको करा के देंगे। इधर आपको इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट रहने वाला है, इधर आपको देखो 9 फुट पे पूरी कवर्ड मिल जाती है, आप देख सकते हैं कितनी हैवी कवर्ड हमारी रहने वाली है, वुडन प्लाई के साथ आपको ये कवर्ड मिल जाती है माइके के साथ। इधर आपको स्टोरेज मिल जाती है नीचे, ऐसी पूरी फिनिशिंग होनी बाकी है, ऊपर आपको भी यहाँ पे छोटी स्टोरेज मिल जाती है। इसमें वो बात है, ये आपका मकान जमीन में यहीं तक है, पर आपके ऊपर मकान आ गया 55 गज का हो रहा है, आप देख सकते हैं पिलर से 3 फुट बाहर, आपका आधा रूम तो पिलर पर आ जाता है ऐसे बालकनी में, क्योंकि फ्रंट इतना अच्छा है, वेंटिलेशन की कमी रहने वाली नहीं है, दोनों रूम आपके बेडरूम के बालकनी में आने वाले हैं, वेंटिलेशन आप देख सकते हैं कितनी रोशनी है, पूरी रोशनी आएगी आपकी, क्योंकि हमने इसमें आपको 5x5 की पूरी विंडो दी है, आपको वेंटिलेशन कमी रहेगी नहीं बिल्कुल भी। और आपको वुडन गेट मिल जाता है 8 फुट का, बहुत अच्छी क्वालिटी में हमारा वुडन गेट रहने वाला है। और आपको जो टाइल्स देख रहे हैं आप, विट्रीफाइड मार्बल टाइल्स हैं, मार्बल फिनिशिंग में टाइल्स हैं, विट्रीफाइड है, एंड आप इसका बिल्कुल स्क्रैच कभी नहीं आएगा, इसमें स्क्रैच का नहीं है तो कभी आएगा नहीं, और आराम से वॉश होती हैं ये, और हमेशा इसमें शाइनेबल रहती है टाइल्स। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, सेकंड बेडरूम देखो आप, ऊपर आपको सिंपल फॉल्सिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको वॉल पेपर हम प्लेस करके देंगे, आपको पूरे मकान में हम 5 वॉल पेपर लगा के देंगे, 2 आपके फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में, 1 आपके ड्राइंग रूम में, 1 नीचे बेडरूम में, और आप छोटा एक पार्किंग में हम जो वॉल पेपर हम हमेशा जड़ से मकान में लगाते हैं, आपको 5 वॉल पेपर हम इसमें आपको प्लेस करके देंगे, बहुत अच्छी कस्टमाइज जो वॉल पेपर लगाते हैं वही लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी का होगा, आपके पसंद का होगा, इसलिए मैंने इसमें आपको प्लेस करके नहीं दिया, क्योंकि आप अपने पसंद के हिसाब से इस पर वॉलपेपर लगा सके। इस रूम की साइज़ की बात कर लूँ तो आपको ये भी रूम 12x9 का मिल जाता है, 12x9 का। अब इसते 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 2 = 12 लंबाई में, और ऐसे में 9, क्योंकि 2x4 टाइल होती है हमारी, 12x9 का आपको ये स्पेस मिल जाता है। इधर अपना टीवी पैनल भी बना सकते हैं, आप देख सकते हैं आप कहोगे तो हम बना के देते हैं आपको टीवी पैनल यहाँ पे, और ऊपर आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं आपका स्पेस भी खत्म नहीं हुआ और ऊपर भी आपको स्टोरेज का ऑप्शन आराम से मिल गया पूरा। आपको ऐसे 3 स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 स्टोरेज का जो अच्छे स्पेशियस रहने वाले हैं, आपका 1.5x3 के स्पेस के स्पेशियस मिल जाते हैं। आपको वेंटिलेशन की कमी तो मैंने कहा था आपको इस रूम में भी नहीं रहने वाली, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका विंडो एसी प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आपको हमने पॉइंट लगा के दिया हुआ है, और आप देखते हैं इसका MC का ऑप्शन यहाँ पे ऑन ऑफ का आपको मिल जाता है। ऊपर फॉल्सिंग की बात करते हैं, आपको ऐसे आपने देखा होगा इसमें आपको वाइट LED तुम्हारी प्लेस होगी, अभी कोगलेट लगनी बाकी है, क्योंकि पूरे मकान में कोगलेट पूरी फिनिशिंग होनी बाकी है। इधर भी आपको 8 फुट का गेट मिल जाता है, आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन सेम लगाएगी, मान लो अपना गेट ओपन करते हैं तो खराब ना लगे, बहुत अच्छा एलिवेशन है, ऐसे इस मकान का एलिवेशन पे गेट दिखेगा तो बहुत अच्छा लगे। इधर आपको पूरा ये आपको चौखट जो आपकी है पूरी आयरन की लोहे की चौखट है, DJI की चौखट है, आपकी इसमें जंग भी नहीं रहेगी,
ना इस पे आपकी कोई लकड़ी होती दिमक ले जाती है, हमें कंप्लेंट आ रही थी इसलिए हमने डीजे का काम कराना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें आपको बालकनी मिल जाती है, इस रूम में सेकंड बेडरूम में आपको बालकनी मिल जाती है, या आपको वॉशिंग एरिया स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको सैनिटरी का पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो आपका वेस्ट पाइप जाएगा वॉशिंग एरिया का वो आपको यहाँ मिल जाता है। आपको यहाँ पर एसएस की ग्रिल मिल जाती है, देख सकते कितनी हैवी ग्रिल है, और आपको बाहर देख सकते हैं आप बालकनी में वॉल टू वॉल टाइल मिल जाती है बालकनी में पूरी वाइट कलर कॉम्बिनेशन एंड वुडन कलर कॉम्बिनेशन के साथ। आप देख सकते हैं ऊपर देखो, आप देखो जो टाइल्स के अंदर ये फास्टनर लगे हैं, आपको मुँह पर चढ़ के दिखाता हूँ, जो ये फास्टनर है ये फास्टनर इसलिए लगाया जाता है कि टाइल ऊपर से गिरे ना कभी। वैसे जैसे पहले मकान लगते थे 5-6 साल पहले जो मकान बनते थे उसमें टाइल गिरती थी, किसी के ऊपर लगने जैसे गिरने का डर रहता था, इसलिए आजकल ये फास्टनर आ गए, हम आपको फास्टनर लगा के देते हैं, कोई ख़राब काम नहीं करते, बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं, और आपको बालकनी में भी लाइट्स का वर्क मिल जाता है, मान लो रोशनी आपको रखनी है बालकनी तो बहुत अच्छा आपको पूरे मकान में वैसे रोशनी रहेगी। अब दिन में तो आपको लाइट ना जलाओ तो जब भी रोशनी रहेगी। ये हमारा था फर्स्ट फ्लोर पर आप देखो आपको एक ड्राइंग रूम मिल गया था, एक फर्स्ट बेडरूम, एक जिसमें आप हैं सेकंड बेडरूम, और एक किचन, और ये आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, ये भी आपको बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। मेन बताऊँ कैसे, आप मान लो यहाँ पे अपने गेट लगा लें लोहे का, आप यहाँ पे गेट लगा लें लोहे का, या आपका 2 BHK फ्लैट हो गया बिल्कुल एक तरह से, आप इसको मान लो कि कभी आपको रेंट पर्पज़ के लिए आपको ये चाहिए तो आप इसको फ्लैट भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेयर्स है बिल्कुल सेपरेट है, स्टेयर्स बिल्कुल सेपरेट है। आप ऐसे मकान ऊपर सेम नक्शे के बनाते चले जाओगे तो आप आराम से, मान लो आप टॉप फ्लोर पे आप रह रहे हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो कोई मान लो ऊपर किराएदार रहता है आपका, तो आराम से यहाँ से स्टेयर से बारंबार ऊपर जा सकता है। आपका ये बिल्कुल सेपरेट मकान बना है, नीचे भी सेपरेट ऊपर भी सेपरेट, बहुत अच्छा मकान आपको मिलने वाला है 45 गज का, 20 फुट के फ्रंट का तो बहुत कम मिलता है। और मेन बात द्वारका मोड़ से 500 मीटर में, आपको बार बार इससे बोलूँगी 500 मीटर पर जड़ से मकान मिलते ही नहीं है, पर अब आपको जो गर्ल प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स आपको मकान दे रही है, आपको यहाँ पे मान लो रिक्शे से जाना है तो 10 रुपये लगते हैं, रिक्शे से जाने के लिए आपको 10 रुपये में आप द्वारका मोड़ पहुँच जाओगे। ये आपका यहाँ पे मॉल्स मिल जाते हैं, मॉल्स नियर बाय हैं, बहुत अच्छा मॉल्स मिल जाता है आपको, यहाँ पे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, बैंक, ATMs, मेट्रो फैसिलिटी सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, सीवर कनेक्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे, दिल्ली जल बोर्ड का वाटर कनेक्शन मिल जाता है, समर सीवर तो आपको हमारे बिल्डिंग में लगा के देते हैं, बेसिस की राजधानी मिल जाती है, IGL गैस पाइपलाइन का कनेक्शन मिल जाता है। पर आपको जो मैं ऐसे आपके ये मकान नाम हो जाएगा, जब मकान नाम हो जाएगा आप उसकी जो पेपर की फोटो कॉपी होगी आप सबको सबमिट करेंगे तो आपके सबके सारे कनेक्शन हम आपको करा के दे देंगे। बाकी लोनेबल की बात करूँ तो 70-80% आपको इसमें हम लोन करा के देंगे, जो आपके प्रोफाइल के ऊपर होगा। बाकी बहुत अच्छा मकान रहने वाला है, इसको विजिट जरूर करें और इसकी वीडियो जरूर देखें। आप मान लो आपको मकान नहीं लेना, आपको किसी और को जरूरत है, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आप इसको शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो चैनल को, लाइक जरूर करो वीडियो करो, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम, आपको आपके लिए ऐसे आपको आपके सपने पूरे करने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। लाइक जरूर करा करो, पूरी वीडियो जरूर देखा करो, आपको पूरी बातें समझा करो आप इस मकान की, ऐसे मकान में हम क्या क्या लगा के देते हैं। मान लो कभी आपको बाहर से मकान नहीं लेना, कभी आपका मकान आप खुद बनाओगे तो आप ये सारे काम कर सकते हो, क्योंकि हमारे सारे काम प्रोफेशनल होते हैं, काम खराब नहीं होते बिल्कुल। जो हम पिलर लगाते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाते हैं, जो हम ईंट लगाते हैं उसमें पूरे तराई करते हैं, जैसे एक मिस्त्री छोड़ते हैं कि इसमें पूरी तराई हो, मकान ऐसे नहीं 3 महीने में खड़े कर देते हैं, आराम से टाइम लगा के मकान बनाते हैं, क्योंकि आपको पूरी आपका एक पूरी लाइफ टाइम का आपको जो आपकी पूंजी है पैसा है वो आपका वेस्ट ना हो, बहुत आप जो पैसा लगा रहे हो अच्छी जगह लगाओ, ख़राब ना हो, आपकी पूरी सेवा में हम खड़े रहते हैं हमेशा। हम चलते इसकी टेरेस की तरफ, आपको यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर से अपने टेरेस की तरफ आए, आप जिसते राउंड में आपको स्टेयर्स मिल जाती है, वही सेम स्टेयर्स आपको जैसे जो ग्राउंड फ्लोर में लगा के दे रहे हैं डबल लेयर मार्बल की, वही आपको पूरी स्टेयर्स में मिल जाता है, ऐसे इसकी ग्रिल मिल जाती है। और मेन बात पिलर तो मैं आपको जरूर दिखाता हूँ, क्योंकि पिलर मेन है मकान में, जड़ से मकान में पिलर मेन है, क्योंकि आप ऊपर कभी बिल्डअप करो तो आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे आपको आयरन का गेट मिल जाएगा, और मेन बात यहाँ पे आपको इन्वर्टर का स्पेस मिल जाता है, अब यहाँ पे हम अपना इन्वर्टर भी रख सकते हैं, इन्वर्टर पॉइंट हम आपको यहाँ पे करा के देंगे। और आपको जो आयरन का गेट मिल रहा है बहुत हैवी गेट है, क्योंकि छत होती है, कोई छत पे आ जाए तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम आपको बहुत हैवी गेट है इस पे आयरन का प्लेस करके देते हैं। और मेन बात आपको हर हम छत पे जो जड़ से मकान बनाते हैं, जो मतलब अच्छी लोकेशन में और अच्छी क्वालिटी का होता है, उसमें आपको 2x2 की टाइल्स पूरी टेरेस पे टाइल्स लगा के देते हैं, क्योंकि केमिकल टाइल्स हैं ये सारी, आपकी जब मान लो बारिश आती है तो इसके नीचे कभी मकान में आपको सीलन ना आए, इसमें हम आपको पूरा वर्क जो टाइल्स का होता है केमिकल वर्क करा के देते हैं। आपका आप देख सकते हैं पहले हमने आपको पूरा प्लाट साइज आया 20x22, पर ये ऊपर जाके आपका 20x25 हो जाता है, क्योंकि 3 फुट आपका ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से 3 फुट यहाँ से आपका बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपका बालकनी आ जाती है और आपको पूरा स्पेस मिल जाता है, पूरा चकोर ऐसे मिल जाता है। आप आराम से इस पर अपना कोई छोटा मोटा फंक्शन करना, या आप इस पर अपने टेरेस पे पूरा गार्डन बनाना आप आराम से बना सकते हैं। और आप यहाँ की लोकेलिटी देखो कितनी अच्छी लोकेलिटी रहने वाली है, ग्रीनरी पूरी आपको मिल जाती है, वहाँ पर आपको रेड